एडवाइजर, जब भी कोई वर्क रिलेटेड या बैंक रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम्स होती है, सो द फर्स्ट पर्सन आई कम अप टू इज माई डैड. सो फॉर दिस फादर्स डे आई एम गोना हेल्प यू गाइज. अगर इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस और यू आर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो पापा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आई गेस सारे लोगों के माइंड में होता है कि व्हाई इज बिजनेस बेटर देन अ जॉब. यदि आपके पास में अपने एम्बिशंस हैं और आपके पास अपनी क्वालिटीज हैं तो आप बिजनेस करो. और यदि आपको सिर्फ एक पे स्केल चाहिए तो आप सर्विस करो, क्योंकि आपको सर्विस में एक फिक्स्ड पे मिलती है फ्रॉम द डे फर्स्ट. बिजनेस में आपको टाइम लगता है ग्रो करने में, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप ग्रो कर जाते हो तो उस सर्विस की पे स्केल से 100 times ज्यादा भी कमा सकते हो आप. और सबसे बड़ी चीज होती है कि सर्विस में आप एक जगह पर बंद कर रह जाते हो. मीन्स यदि आप अकाउंटेंट हो तो आप सिर्फ अकाउंट्स के काम करोगे, लेकिन एक बिजनेस वाले में जो क्वालिटीज होती हैं उसको वो सारे काम करना पड़ते हैं. तो बिकॉज बिजनेस में क्वालिटी एबिलिटी ज्यादा लगती है, इसलिए कमाई भी ज्यादा होती है. थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना पड़ता है, लेकिन लाइफ में एक बड़ी सक्सेस चाहिए तो बिजनेस में आओ. ओके, सो अगर एक इंसान ने डिसाइड किया कि चलो बिजनेस करना है, सबसे पहले तो कि वो कैसे डिसाइड करे कि वो जॉब के लिए है कि बिजनेस के लिए है, कि उसको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, तो एक इंसान कैसे डिसाइड करेगा वो? यदि अपनी भविष्य की सिक्योरिटी को लेकर डर है तो आप जॉब में जाओ, और भविष्य की सिक्योरिटी को लेकर आप एम्बिशियस हो, कुछ काम करने की इच्छा रखते हो और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की सोच रखते हो बिना डरे, तो आप बिजनेस में जाओगे. ये बड़ा सिंपल सा फंडा है. अदरवाइज तो हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल भी चेक कर सकते हैं, उसकी प्लेनेटरी पोजीशन से भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, अगर पर्सन एक इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, बट देन द क्वेश्चन अराइज कि कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज बिजनेस बहुत बहुत पेशेंस बहुत हार्डवर्क मानता है, तो उस चीज को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? यदि किसी भी बिजनेस को शुरू करना है तो सबसे पहले ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए. मतलब ऑल पिन से लेकर आपके ऑफिस में कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहले वो आपको मालूम होना चाहिए. आपको ऑफिस एक व्यवस्थित साफ सुथरा होना चाहिए. उसके बाद में आपको एक मार्केटिंग एक सेल्समैनशिप आना चाहिए, अकाउंटिंग आना चाहिए. उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले अपने आप को तैयार करो और फिर बिजनेस में आओ. अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसको कंटिन्यूस कैसे रखे, बिकॉज बहुत लोगों को देखा है कि बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं बट थोड़े टाइम बाद या तो वो पेशेंस लूज कर जाते हैं और बिजनेस बंद हो जाता है, या कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता. बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई बनाना बहुत आसान है किसी प्रोडक्ट को, बट बेचना बहुत मुश्किल है. तो यदि आप किसी भी चीज में स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको टाइम लगेगा, अनसक्सेस भी मिल सकती है, बट वापस उस अनसक्सेस को सक्सेस में कन्वर्ट करो, फिर वापस से अपने आप को शुरुआत करो, देखो कि कहाँ गलत कर रहा है, उसको फिर से तैयार करो और फिर स्टार्ट करो. तो लाइफ के हर पार्ट में अनसक्सेस होती ही होती है, संघर्ष होता ही होता है, और बिजनेस में भी होगा ही होगा. यदि संघर्ष से डरते हो, असफलता से डरते हो, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते. बट इन दोनों चीजों से ओवरकम करने की क्षमता है तो आप जिंदगी के हर फील्ड में, वो चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं. फिर एक और क्वेश्चन आता है कि बिजनेस करना है पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, तो वो किस अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि क्या करना चाहिए? बिजनेस को डिसाइड करना सबसे पहला काम हम अपने हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल चेक करते हैं कि क्या चीज करना चाहिए. दूसरा, आपकी अपनी चॉइस क्या हो सकती है. तीसरी चीज, प्रोफेशन विद पैशन, कि हम किस चीज में जुनून होके काम कर सकते हैं, पूरा जुनूनियत के साथ काम कर सकते हैं. यदि हमारा इंटरेस्ट म्यूजिक में है और घर वाले कहें कि इंजीनियरिंग करो तो बिल्कुल मत करो, आप म्यूजिक में ही जाओ और उसी में काम करो, बिकॉज हमारा पैशन, हमारी हॉबी, वो सब चीजें इंक्लूड होती है. और बाकी डेस्टिनी सबसे बड़ी चीज है भाई, उसके आगे तो सभी झुके हुए. सो आई गेस ये सारी टिप्स आप लोग को बहुत काम आएंगी, तो अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, सो डू टेक दीज टिप्स इनटू कंसीडरेशन, इट विल श्योरली हेल्प यू गाइस. ऑल्सो अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस के अलावा कोई से और क्वेश्चंस पूछने हैं बिजनेस रिलेटेड, सो डू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन. और
क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, अगर आपका ऑनगोइंग बिजनेस है और उसके बीच में भी आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैं अपने डैड का कॉन्टैक्ट ऐड कर दूंगी तो आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक दीज टिप्स वर यूजफुल। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।